और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। सारण पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 20 दिनों के अंदर ये दूसरा बिहार का दौरा अमित शाह ने किया जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर। और ऐसे में गृह मंत्री शाह ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाला, संपूर्ण क्रांति के सिद्धांतों पर चलने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी ने साथ में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया। संपूर्ण क्रांति के नारे को किसी भी कांग्रेस ने सफल बनाने का यत्न नहीं किया। संपूर्ण क्रांति के नारे को सफल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने जाता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? एक जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, एक जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज पांच पांच बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार चाहिए। और सताब्दियाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कुछ खास बातें कही हैं जिसे सुनना आपको बहुत जरूरी है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। 8 करोड़ से अधिक गरीबों को जिन्होंने कभी रसोई गैस के बारे में सोचा भी नहीं था, निःशुल्क रसोई गैस देने का कार्य भी कर दिया गया। यही नहीं, चाहे वह गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देने का कार्यक्रम हो और चाहे वह वे तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को न उसकी जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, वो उत्तर का है या दक्षिण का, पूरब का है या पश्चिम का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जो आजादी के 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था, वह देने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है। लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है और बिहार के नौजवान को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया के अंदर, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का लोहा मनाया है। भाइयों बहनों, आज जब जयप्रकाश जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हम सब उनकी